सब्सक्राइब करें विनोद की रसोई चैनल को, बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास फौरन पहुंच जाए। नमस्कार, विनोद की रसोई में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाने जा रहे हैं खड़े साबुत गर्म मसाले में काले चने के चावल, जो खाने में बेहद स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आइए देख लेते हैं इसकी बनाने की विधि और इसकी सामग्री। सबसे पहले हम चावल लेंगे। चावल हमने नॉर्मली चावल लिया हुआ है, जिसको हमने करीब 1 से 1.5 घंटे इसको हमने भिगो दिया था। भिगोने से ये चावल हमारे ये सॉफ्ट बनेंगे। चने हमने 150 ग्राम लिए थे, इसको हमने करीब 3 से 4 घंटे इसको भी भिगो दिया था। इसके बाद इसको हमने बॉईल कर लिया है करीब 3 से 4 सीटी लगा के। और मसाले में हमारा रहेगा अदरक करीब 1 इंच का टुकड़ा, इसको हमने ग्रेट कर लिया है। प्याज 2। गरम मसाले में हमारा है 4 लाल मिर्च के ये हमारे लाल मिर्च है 4। 1 चम्मच हमारा जीरा है और हमारा ये 3 तेज पत्ते हैं। काली मिर्च कुटी हुई करीब 1/2 चम्मच हमने इसको दरदरा सा कूट लिया है। 2 इलायची और 6 से 7 हमारी लौंग है और दालचीनी के कुछ टुकड़े। और ये हमारा चिकन मसाला है। चिकन मसाला में हमने करीब 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हमने लिया हुआ है, ये भी हम डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार। और ये हमने पनीर के क्यूब्स लिए हुए हैं, ये करीब हमारे 50 ग्राम है, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है। और हमारा रिफाइंड ऑयल है, पानी है। आइए अब हम बनाते हैं काले चने के चावल। सबसे पहले हम कुकर गर्म करेंगे और इसमें हम 3 से 4 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे इसलिए किसी हम इसके पुलाव टाइप का ही बना रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा रिफाइंड हमें करीब वैसे बनाते हैं हम 3 चम्मच डाल के, मगर हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। अब रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म हो चुका है अब इसमें हम साबुत मसाले डाल देंगे। पहले जीरा डालेंगे, दालचीनी, लौंग। लौंग हम करीब 6 से 7 डाल लें, जिससे लौंग का भी अच्छा फ्लेवर आता है। और ये काली मिर्च, तेज पत्ता और ये लाल मिर्च। अब इसको हम हल्का सा भून लेंगे और इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज हमने करीब 2 काटा हुआ है, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। और इसमें हम अदरक डाल देंगे। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। अब इसमें हम ये पनीर के टुकड़े डाल देंगे, इसको भी हमें हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं, इसको हल्के से भूनना है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें, जिससे हमारी वीडियो लेटेस्ट वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच जाए। पनीर भी हमें ज़्यादा नहीं लाल करना है, हल्का सा करके। अब इसमें हम ये हम चिकन मसाला डाल रहे हैं। चिकन मसाला हमने एवरेस्ट का लिया हुआ है और उसमें हमने करीब 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हमने लिया है, इससे अच्छा एक फ्लेवर आ जाएगा। अब इसमें हम बॉयल किए हुए चने डाल देंगे।
और इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक इसमें हम करीब 1 चम्मच से बराबर डाल रहे हैं। आप अपने स्वाद अनुसार भी आप डाल सकते हैं जैसे आप खाना चाहते हैं। और इसको करीब हम 2 से 3 मिनट भूनेंगे। चुके हैं, अब इसमें हम चावल डाल देंगे। आप अगर इस तरह के चावल अगर बना रहे हैं तो चावल को करीब 1 से 1.5 घंटे भिगो देंगे तो चावल बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और खाने में भी बढ़िया लगते हैं। और इसको हम भी भून लेंगे। चावल को भी करीब हम 1 मिनट भूनेंगे। चावल हमारा ये भून चुका है। चावल को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी बहुत अंदाज से ही डालना है। इसमें हमारे 2 कप चावल थे तो उसमें हम 3 कप पानी डाल रहे हैं। पानी में बहुत ज्यादा नहीं डालना है। अब इसको हम चला के बंद कर देंगे और इसको हम लो फ्लेम पे पकने देंगे। करीब 1 सीटी आने तक इसको हम पकने देंगे। कुकर में 1 सीटी लगने के बाद हमने इसको करीब 10 मिनट के लिए रख दिया था। अब इसको हम खोल के देखते हैं। अब इसको हम चला मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारे चावल ही खिले खिले से बने। अब इसको हम निकाल लेंगे। लीजिए, बनकर तैयार है काले चने के चावल साबुत खड़े गर्म मसाले में। आप इसे बनाएं, खिलाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।